दोस्तों, इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है तो हम इनसे बात कर लेते हैं। पहले इनके पैर में आप दिखा दीजिए, LRS लगा हुआ है। तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे कब इलाज कराने आए थे, इनकी प्रॉब्लम क्या थी। तो मिथुन भाई, जरा आप अपनी बात बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा आगरा के रहने वाले हैं। कितना दिन पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था? से फ्रैक्चर हुआ था 2022 में 2022 में आपका फ्रैक्चर हुआ था। तब से आपका इलाज कहाँ पे चल रहा था? आगरा में, हॉस्पिटल का नाम ना बताइएगा, बस ये बताइए कहाँ पे। आगरा में चल रहा आगरा में। था हाँ, 2 साल से। 2.5 साल हो गए करीब। पहले 2.5 साल। और आपके पैर में क्या लगा था? तो रोड डली थी, हाँ, वो निकली, उसके बाद ये LRS लग रहा था ऐसा ही। कितना उधर कितने ऑपरेशन आपके हो गए थे आगरा में? 7 7 ऑपरेशन हो गए थे। तो यहाँ सही नहीं हो पाए तो फिर यहाँ पे आए। ये तो यहाँ पे कैसे पहुंचे आप? कहाँ से जानकारी आपको मिली? वीडियो देखकर यूट्यूब पर। वीडियो देखकर जानकारी मिली। तो वीडियो देखे तो आपको लगा कि हमें भरतपुर जाके इलाज कराना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिन पहले आप आए थे? हमें हुआ 1 महीने पहले। यहाँ पे 1 महीना पहले इलाज के लिए आए हैं। आपका ऑपरेशन कब हुआ है यहाँ पे? अच्छा, कल तो 1 महीना पहले आए थे तो उस टाइम केवल दिखा के आप चले गए थे कि? दिखा के चले गए थे, सर ने रोड को थोड़ा हड्डी को नीचे सरकाने के लिए बोल दिया था, थोड़ी हाँ कमी थी तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे दिया था। हाँ तो फिर उन्होंने बुलाया था कि उस टाइम आ जाना, तो मैं कल आया था, तो कल सर ने ऑपरेशन कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन में क्या किया है आपका? ये LRS चेंज किया है, पहले इधर इधर डला था, इधर डला है, बोन ग्राफ्टिंग हुई है इसकी। इधर पहले आपका LRS फ्रेम इधर साइड बाहर से लगा था, हाँ, इधर से अब डला अंदर से था, लगाए अब हैं। अंदर से डला है और बोन ग्राफ्टिंग हुई है। थोड़ी अच्छा। इसमें हड्डी बेकार थी, वो भी निकाली गई है। तो कल आप कल आए थे ना हाँ कि परसों आए थे ऑपरेशन के लिए? कल नहीं, ही आए थे। कल ही कल आए थे, कल ही ही आए थे, ऑपरेशन। कल ऑपरेशन हो गया। हाँ, आज छुट्टी हो रही है। आज तो छुट्टी हो रही। आप कल से आज तक आए तो हॉस्पिटल में आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं, नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल वाले आपका सही ख्याल रखे सही, हैं? सब घर की सी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब कितना दिन बाद डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बुलाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मिथुन भाई ने बताया, इनका करीब 2.5 साल पहले का फ्रैक्चर हुआ है। आगरा में इनके 7 ऑपरेशन हो चुके थे, अभी तक ये सही नहीं हो पाए थे। तो ये यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पे पहुँचे हैं इलाज कराने। कल इनका ऑपरेशन हुआ है, अभी ये घर जा रहे हैं। अब 3 3 दिन बाद इनको डॉक्टर साहब फिर बुलाए हैं देखने के लिए। ठीक है, हिम्मत रखिए, सही हो जाएंगे। दोस्तों, मिथुन जी इस स्थिति में देसवार हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। ये इनका LRS फ्रेम पहले के इलाज में लग चुका था। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी बढ़ाने के बाद नीचे जो हड्डी आई है वो काफ़ी ज़्यादा मिसअलाइनमेंट है। दोस्तों, ये पिछले महीने आए थे तो डॉक्टर साहब ने अभी इनको कहा था कि आप ये जो हड्डी के फ्रेगमेंट को नीचे ला रहे हैं, LRS की मदद से धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, आप इसको और नीचे लेके आइए ताकि ये जो नीचे वाला गैप है ये और गैप कम हो जाए, तो फिर हमारे हड्डी की सेटिंग सही करें और गैप कम होगा तो उसमें हम बोन ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी इनके हड्डी का ये जो बड़ा सा फ्रेगमेंट है ये दोनों तरफ से अलग अलग था, ऊपर से ये नीचे कुछ आ गया था और नीचे अभी पहुंचाना नहीं था, तो ऐसे में बीच मझधार में उसको छेड़ना सही नहीं था। तो डॉक्टर साहब कहे थे कि अभी अभी कुछ दिन आप इस हड्डी को और नीचे ला दो, हड्डी नीचे की तरफ पहुँच जाए तो फिर हम आगे का इलाज करें। यहाँ पे इनका रिवीजन सर्जरी करके LRS फ्रेम को अंदर की तरफ से लगाया गया है। दोस्तों, अभी हम मिथुन भाई से उनके सारे एक्सरों की फ़ोटो नहीं ले पाए थे, जिससे हम इनके ऑपरेशन के ठीक पहले की एक्सरे नहीं देख पाए हैं, ऑपरेशन के बाद की एक्सरे भी नहीं देख पाए हैं। मिथुन जी को 2 3 दिन बाद हॉस्पिटल में बुलाया गया है, तो जब ये आएंगे तो हम इनके केस का नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे, जिसमें हम इनके इलाज को डिटेल में देख लेंगे, इनके सारे एक्सरे की फ़ोटो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।